नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी है। जहां राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं राज्यसभा सांसद काला कुर्ता और पगड़ी पहनकर संसद पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह भयंकर गुस्से में दिख रही हैं। वह एक महिला पुलिसकर्मी का ही हाथ मरोड़ देती हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने किस तरह महिला पुलिसकर्मी का हाथ जोर से पकड़ा हुआ है और उसे मरोड़ रही हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस तस्वीर को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ प्रियंका वाड्रा ने की मारपीट, उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ा। फिर वे शिकायत करते हैं कि पुलिस हाथापाई कर रही है, जबकि ठीक इसके विपरीत है। अब इस तस्वीर और प्रियंका गांधी के गुस्सेल रवैये को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी काफ़ी गुस्से में हैं। एक यूजर ने लिखा है, मैडम जिसका आप हाथ मरोड़ रही हैं ना, वो इस देश की वो बेटी है जो परीक्षा पास करके पुलिस में भर्ती हुई है, और हाँ, इसके पिता माँ भाई और पति ने कोई चोरी भी नहीं की होगी। इसी तरह एक यूजर ने कमेंट करते हुए प्रियंका गांधी को भी भला बुरा कहा।